हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीचर अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी संविदा और दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के बारे में एक इम्पॉर्टेंट आदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा जो है इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो है इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए जो है कुछ नियम एवं शर्तें भी जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है इसी के बारे में बताएंगे कि किन विभाग के संविदा या दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट करने का आदेश दिया गया है, और इसके लिए जो है क्या क्या रूल एंड कंडीशन रखे गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक संविदा कर्मचारी हैं या आप दैनिक वेतन भोगी हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है ये पूरा न्यूज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पूरा न्यूज जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं, और इसके लिए जो है क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, और किस विभाग के संविदा या दैनिक वेतन भोगी परमानेंट किए जाएंगे इसके बारे में जो है आइए आप लोगों को बता देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन कर्मचारियों को अस्थायी करने का निर्णय, और ये जो फैसला है ये 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। विनियमित सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल सरकार ने सभी सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नगरीय निकायों में कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी जो वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कार्यरत हैं, उन्हें जो है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार विनियमित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर जो है ये चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किस विभाग के दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी को परमानेंट किया जाएगा, और इसके लिए रूल रेगुलेशन क्या है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस फैसले से 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। दरअसल 7 अगस्त बुधवार को मंत्रालय में राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। और देखिए फ्रेंड्स, इस बैठक में जो है सभी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई उपस्थित थे। फिर आगे बताया गया है कि बैठक में फैसला लिया गया कि मृतक कर्मचारी अथवा स्वास्थ्य कारणों से सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को नियमों में संशोधन कर एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बताया गया है कि इसका लाभ मृतक विनियमित कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगा। बैठक में जो है यह भी तय किया गया कि नगरीय निकायों में सफाई से संबंधित उपकरण और वाहन सफाई कामगारों के समूहों को भी दिए जाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफाई कामगारों के पदों को बढ़ाने पर भी विचार करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में रखा जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, यहां पर जो है ये भी चीज़ें बताया गया कि भविष्य में जो है सफाई कर्मी के पदों पर भर्ती के लिए जो है प्रस्ताव भी सरकार के पास भेज दिया गया है। फिर आगे बताया गया कि राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष करोसिया ने कहा कि इन निर्णयों से सफाई मित्रों के परिवारों का समग्र विकास होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है इसका पूरा निष्कर्ष बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि ये जो है सफाई कर्मचारियों के नियमित करने की बात की गई है, और फ्रेंड्स इसके लिए जो है कंडीशन ये है कि नगर निकायों में जो भी समस्त दैनिक वेतनभोगी हैं जो वर्ष 2007 से वर्ष 2016 तक कार्यरत हैं, उन्हें जो है विनियमित यानी कि उन्हें ही जो है अस्थायी या परमानेंट किया जाएगा। ये जो है यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में जो है यहाँ पर ये भी चीज़ें बताया गया है कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक जो है 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ में जो है यहाँ पर यह भी चीज़ें बताया गया है कि भविष्य में जो है सफाई कर्मी के पदों पर भर्ती के लिए वांट भी निकाला जाएगा, और इस संबंध में जो है राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया है।
और देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार की सहमति बनते ही जो है जल्द ही सफाई कर्मी के पदों पर भर्ती भी निकाली जाएगी। ये भी चीज़ें जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी सफाई कर्मचारी हैं इन सारे लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। इस संबंध में जो है राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।